निर्विणाम नितरन भूमन असद इंद्रिय तर्षणात येन संभाव्यमानेन प्रपन्नांधम तमः प्रभु। यहाँ पर माता से माता ने लाला से पूछा कि ये बताओ हे भूमन, भूमन परमात्मा का नाम है, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ा उसमें भूमन शब्द भी आया है, परमात्मा का नाम है भूमन, क्या बताया जाए। निर्विणाम बड़ी दुखी हो गई हूँ, नितरम बहुत ज़्यादा, भूमन हे भगवन क्योंकि किससे दुखी हो गए, कह रहे क्योंकि किसी से नहीं, असत इंद्रिय तर्षणात ये दुष्ट इंद्रियों के लालच से बाजार जाती हो और जैसे ही गोलगप्पे ने वाले ने मारे तवा पे वो अपने, तो सच बताना 50 ग्राम लार मुंह के अंदर आ जाती कि नहीं, भले ही गुटक जाओ कोई जान ना पाए वो बात अलग है, पर आ जाती है कि नहीं। हाँ, कहने का मतलब इंद्रियां जो होती हैं ऐसी होती है कि इनकी पूर्ति कितना भी तुम कर लो लेकिन इनको तृप्त नहीं कर सकते हो। एक समय था कि अपने हाथ के पंखे से काम चल जाता था कि नहीं, अब हाथ के पंखे से काम चल जाता था तो हाथ के पंखे से फिर सोचने लगा कि कोई ऐसा जुगाड़ होता कि हवा तेज देता और अपने आप देता तो फिर बिजली वाला पंखा आ गया, तो जैसे बिजली वाला, अरे वाह 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 आनंद आ गया, तो आनंद के चक्कर में बड़े प्रसन्न हुए और फिर इसके बाद जब वो हवा लेते लेते आत्मा भर गई, फिर कहने लगे कुछ ऐसा आता कि कुछ ठंडी भी हवा देता तो बड़े बड़े डिब्बा बनाए, उसमें पानी 4-5 बाल्टी पड़ता है, क्या कहते उसे, कूलर, तो आधी गीली आधी सूखी हवा देता है तो ठंडा हो जाता है, ठीक है कोई बात नहीं। अब धीरे धीरे ऐसा आया, कहने लगे कि ऐसा नहीं हो सकता है क्या कि बिल्कुल पानी भी ना डालना पड़े और ठंडा हो जाए, तब एसी बनाए गए। तो सच बताना गर्मी बढ़ गई ज़्यादा या हमारे शरीर की मांग बढ़ी है, बाकी कुछ नहीं, जो गर्मी तब थी वो गर्मी आज है। हाँ 1-8 डिग्री अप डाउन हो जाए बात अलग है, लेकिन ऐसा नहीं है, हमें बिना पंखे के हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, समझ गया, जब पंखा नहीं देता तो यही पड़ा रहता था मैं और कहीं कुछ नहीं, आदत डालनी पड़ती है। एक बात और बता दें, जो मौसम के साथ संयोग बना करके चलता है ना वो बीमार कम पड़ता है, जैसे गर्मियों में आ हा 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 घुस गए एसी में, गाड़ी में लगी है एसी तो पता लगा पसीना निकल नहीं पा रहा, बीमारियां बैक्टीरिया निकल नहीं पा रही। आपको पता है सर्दियों में ज़्यादातर हार्ट अटैक और हाई बीपी की समस्या क्यों होती है पता है तुम्हें, क्योंकि उसके शरीर से कोई भी कचरा निकल नहीं पाता है, नमक ज़्यादा तुम खा गए तो सारा का सारा नमक शरीर में बना रहता, आजकल नमक ज़्यादा खा जाओ पसीना से निकल जाता है, फिर बाद में चूना जैसे पुते हुए कपड़े लगते कि नहीं, तो सफ़ेद सफ़ेद होता है, क्या होता है, नमक होता है, एक्स्ट्रा जितना सोडियम है निकल जाएगा, ज़्यादा सोडियम अगर जो भरा रहेगा तो वो हाई बीपी करेगा, तो ये बात है। तो अगर जो एसी में तुम बने रहे तो इससे बहुत ज़्यादा पैरालाइज होने की आशंका रहती है, बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल हाई होने की, कोलेस्ट्रॉल तो हाई होगा गर्मी नहीं लगेगी और चर्बी चढ़ जाएगी, कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल तुम्हारा नहीं ख़त्म हो पाएगा, और अगर जो तुम बढ़िया से हर मौसम में को एडजस्ट करते रहो फिर तुम्हें बीमारी नहीं पड़ेगी, समझ गए, और तुम मौसम से यदि तुम लड़ने की कोशिश करोगे जल्दी निपट जाओगे। तो एसी वालों को हार्ट अटैक ज़्यादा आता है, पत्थर दो पैर में फेंकने वालों को नहीं, वे बूढ़े होके मरेंगे, समझ गए,
जितने दोपहर में घर की चिनाई करते हैं, पत्थर फेंकते हैं ठेका लेके ट्राली का, वे टाइम पर ही मरेंगे। जितने एसी में रहने वाले वे जल्दी मरते हैं। कारण तो बहुत हैं, केवल यही एक कारण है, ये नहीं है, कारण हजारों हैं। तो हाँ, ये सफेद पंखा उधर को कर दो, पीछे को, ये तो नहीं चलेगा। तो यहां पर कहने लगे कि हमारी इंद्रियां जो हैं, हमारी इंद्रियां हैं जो, वे बड़ा परेशान कर रहे हैं इनको नियंत्रित करने के लिए, क्या करें। तो उन्होंने जो रास्ता बताया है, बड़ा ही सुंदर रास्ता बताया है।